अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, आप देख रहे हैं एम की फोटो चैनल। एम की फोटो चैनल में आपका स्वागत है फ्रेंड। फ्रेंड आज हमारी वीडियो का टॉपिक है फ्रेंड, आप सीवी और रेज्यूम किस तरह से बना सकते हैं ऑनलाइन अपने मोबाइल के जरिए। फ्रेंड बहुत ही आसानी से आपको स्टेप बाय स्टेप मैं इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। फ्रेंड आप वीडियो को एंड तक देखना फ्रेंड, बिगर स्केप किए, ताकि आप लोगों को वीडियो समझ में आए और आप अपने मोबाइल से बड़ी आसानी के साथ अपनी सीवी और रेज्यूम आसानी से बना सकते हैं फ्रेंड। उसके बाद में आप कोई भी कंपनी में अप्लाई कर सकते हैं। तो चलो दोस्तों, वीडियो की ओर आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड अब मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं फ्रेंड, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, ताकि इस प्रकार की और भी वीडियो मैं आप लोगों तक पहुंचाता रहूं फ्रेंड। तो आइए फ्रेंड चलते हैं मोबाइल स्क्रीन की ओर। हाँ तो दोस्तों, सबसे पहले आपके पास में जो मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिया गया सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है फ्रेंड, इसको आपको डाउनलोड कर लेना है फ्रेंड। हाँ तो फ्रेंड, डाउनलोड करने के बाद में अपन चलते हैं, जो आपने डाउनलोड किया उसको ओपन कर लेते हैं फ्रेंड। ओपन करने के बाद में फ्रेंड नीचे देख सकते हैं आप, यहाँ पे लिखा होता है क्रिएट, क्रिएट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर लेने का है फ्रेंड। तो आइए इस पर क्लिक कर लेते हैं फ्रेंड। क्लिक करने के बाद में फ्रेंड आपके पास में ऐड आ रहा है, इसको स्किप कर देना है। स्किप करने के बाद में फ्रेंड देख सकते हैं आप स्क्रीन के ऊपर आपके पास में ऑप्शन आ गए हैं। ये सारे ऑप्शन फ्रेंड सभी को भरने का है अपने को स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले अपन ऊपर वाले स्टेप को खोल लेते हैं, पर्सनल डिटेल को, उसमें अपना पूरा डिटेल डाल देते हैं, नाम और डाटा के साथ में अपना नाम डालने का है और उसके नीचे एड्रेस डालने का है। आइए फ्रेंड देखते हैं, मैंने अपना नाम डाल दिया, अभी एड्रेस डाल देता हूँ फ्रेंड। जैसे ही फ्रेंड अपना एड्रेस डाल देते हैं पूरा, जो भी अपना वास्तविक जो प्रजेंट अपना एड्रेस होता है फ्रेंड, वो एड्रेस यहाँ पर डालने का है, अपना एड्रेस डाल देने का है और नीचे अपना ई मेल एड्रेस डाल देने का है फ्रेंड। यह ईमेल एड्रेस मैंने डाल दिया यहाँ पे। उसके बाद में फ्रेंड आपका वर्तमान में जो नंबर चल रहा है फ़ोन नंबर, वो नंबर यहाँ पे ऐड कर देने का है फ्रेंड, ताकि आपकी सीवी कोई भी देखे तो अपने उस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं फ्रेंड। तो आइए फ्रेंड डाल देते हैं यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर। उसके बाद में फ्रेंड अपने को नीचे अपना एक फ़ोटो चूज़ करने का है फ्रेंड, यहाँ पर अपना एक फ़ोटो लगा देने का है फ्रेंड, जो भी आपको अच्छा लगता है उसी प्रकार से। ओके तो फ्रेंड आप फोटो को यहाँ पे अच्छी तरह से क्रॉप करके सेटिंग करके पूरा स्क्रीन पे ला के फ्रेंड फोटो को सेव कर देना है फ्रेंड, यहाँ पे सेव कर लो। और फिर चलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट में। नेक्स्ट के अंदर अपने को दिया है एजुकेशन, एजुकेशन में फ्रेंड यहाँ पे ऐड दिया, इस पर क्लिक करके यहाँ पे अपना एजुकेशन रिपोर्ट डाल देने की फ्रेंड। एजुकेशन में आप कौन सी डिग्री आपने किया है, कौन सा कोर्स किया है फ्रेंड, वो यहाँ पर डालने का है फ्रेंड। उसके बाद में फ्रेंड नीचे दिया गया स्कूल और यूनिवर्सिटी फ्रेंड, ये अपने इसमें डाल देने का है फ्रेंड। उसके बाद में फ्रेंड थर्ड ऑप्शन है, इसके अंदर अपने को ग्रेड डाल देने का है फ्रेंड, आपने कौन से ग्रेड से पास किया है फ्रेंड, जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड फर्स्ट डाल देते हैं। उसके बाद में फ्रेंड आपने कौन से साल में, कौन से सन में, यानी कि अपन आपने स्कूल कॉलेज किया है फ्रेंड, वो सन यहाँ पे डाल देने का है फ्रेंड। उसके बाद में फ्रेंड यहाँ पे इसको सेव कर लेने का है। सेव करने के बाद में फ्रेंड थर्ड ऑप्शन देख रहे थे यहाँ पे एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस को ओपन कर लेते हैं। उसके बाद में अपना इसमें फर्स्ट कंपनी में जो आपने काम किया है फ्रेंड, वो कंपनी का नाम यहाँ पे पूरा नाम डाल देने का है फ्रेंड। उसके बाद में फ्रेंड यहाँ पे जॉब टाइटल डालने का है फ्रेंड, अपने कौन सी कंपनी में, उस कंपनी में कौन सा जॉब काम किया है, जैसे ग्रुप लीडर, फोरमैन, इंजीनियर क्या है, उसी प्रकार से फ्रेंड यहाँ पे डाल लेते हैं। नेक्स्ट में फ्रेंड यहाँ पे कौन से सन में आपने कंपनी में काम किया है फ्रेंड, वो यहाँ पे कौन सी स्टार्टिंग अपने जॉइनिंग डेट है फ्रेंड, वो जॉइनिंग डेट डालने का है फ्रेंड। यहाँ पे उस कंपनी के अंदर आप लास्ट कब तक काम किया है, वो लास्ट वाली डेट यहाँ पे डाल देंगे फ्रेंड। और फ्रेंड लास्ट के अंदर आप अपने को अपनी डिटेल डाल देने का है फ्रेंड, उस कंपनी में आपने क्या काम किया, क्या काम करवाया है फ्रेंड, वो भी जितना भी आपका एक्सपीरियंस है वो यहाँ पे पूरा डिटेल डाल देंगे फ्रेंड। ओके हाँ तो फ्रेंड डिटेल डाल रहे हैं अपन, जो भी अपना एक्सपीरियंस है फ्रेंड उस हिसाब से। ये डिटेल पूरा करने के बाद में फ्रेंड अभी यहाँ पर अपन देख सकते हैं नीचे ग्रीन पोस्ट के अंदर लिखा हुआ है फ्रेंड सेव, सेव के ऑप्शन पर क्लिक करके सेव कर लेंगे फ़ौरन। हाँ तो फ्रेंड फिर नेक्स्ट के अंदर आता है स्किल, अभी आप अपने को यहाँ पे स्किल भरने का है फ्रेंड। स्किल के अंदर मैं अभी आपको राइट करके बता देता हूँ फ्रेंड, आप देख लेना फ्रेंड, उसी हिसाब से आप भी अपना सीवी के अंदर डाल सकते हैं फ्रेंड। ओके और फ्रेंड स्किल डालने के बाद में फ्रेंड आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने पूरा स्किल भर दिया है। उसके बाद में फ्रेंड नेक्स्ट यहाँ पे सेव कर लेने का फ्रेंड। इसको सेव करने के बाद में फ्रेंड अपन नेक्स्ट पे स्क्रीन पर आते हैं, यहाँ पर अपने को मिलता है ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव को क्लिक करने के बाद में फ्रेंड यहाँ पर अपने को पूरा डाटा डालने का फ्रेंड, अपन शुरू से लेके कौन कौन सी कंपनी में काम किया है और फ्रेंड लास्ट तक जिस भी कंपनी में काम किया है वहाँ तक का पूरा डाटा इसमें डिटेल दे देंगे फ्रेंड अपना। डिटेल देने के बाद में फ्रेंड यहाँ पे इसको भी अपन सेव कर लेते हैं फ्रेंड। ओके तो सेव करके फिर बाद में फ्रेंड यहाँ पे आता है रेफरेंसर, रेफरेंसर को क्लिक करके फ्रेंड चलते हैं आगे।
इसको क्लिक करने के बाद में फ्रेंड यहाँ पे डालने गए अपने को रेफरेंसर के नाम पर रूप में, कोई भी अपना इंजीनियर हो या फिर मैनेजर हो फ्रेंड उसका यहाँ पे अपन डाल सकते हैं फ्रेंड। तो आइए फ्रेंड यहाँ पे रेफरेंसर डाल देते हैं। ओके तो फ्रेंड मैं यहाँ पे नाम डाल चुका हूँ फ्रेंड। इसके बाद में उसका जॉब टाइटल डालने के फ्रेंड, वो क्या जॉब करते हैं फ्रेंड। सपोज यहाँ पे मैंने इंजीनियर हेवन तो इंजीनियर डाल दिया। फिर नीचे उसका कंपनी का नाम है फ्रेंड, जो भी कंपनी का नाम है उस कंपनी का नाम डाल देने का फ्रेंड। उसके बाद में फ्रेंड उसका ईमेल एड्रेस डाल देने का। ओके फ्रेंड ईमेल एड्रेस डालने के बाद में फ्रेंड उसके बाद में फ्रेंड उसका फ़ोन नंबर डाल देने का यहाँ पे। ओके तो फ्रेंड फ़ोन नंबर डालने के बाद इसको भी फ्रेंड अपन सेव कर लेते हैं फ्रेंड। सेव करने के बाद में फ्रेंड अपने पास में लास्ट ऑप्शन आता है प्रोजेक्ट। आइए फ्रेंड प्रोजेक्ट पे क्लिक कर लेते हैं और फ्रेंड इसके अंदर लिखते हैं टाइटल के अंदर अपना कंपनी का नाम फ्रेंड, जो फिलहाल अपन ऑन ड्यूटी हैं फ्रेंड, जिस कंपनी में काम कर रहे हैं फ्रेंड। यहाँ पे उसका नाम लिख के पूरा नाम लिखने के बाद में फ्रेंड यहाँ पे अपन आते हैं डिस्क्रिप्शन में। डिस्क्रिप्शन में डालने गए फ्रेंड अपन यहाँ पे कौन सा प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं फ्रेंड, तो पूरा डिटेल डाल देने गए फ्रेंड यहाँ पे। और फ्रेंड इसको भी फिर सेव कर लेने गए फ्रेंड। इसके बाद में फ्रेंड अपना सीवी कंप्लीट हो जाता है फ्रेंड। और अपने नीचे दिए गए सीवी पे क्लिक करके फ्रेंड अपने यहाँ पे बहुत सारे अपने वो सीवीओं के डिजाइंस दिए गई हैं फ्रेंड। इनमें से कोई भी एक डिज़ाइन अपन सिलेक्ट करके फ्रेंड अपना सीवी को मुकम्मल डाउनलोड कर सकते हैं फ्रेंड। तो आइए फ्रेंड इनमें से सिलेक्ट कर लेते हैं। मैंने एक सिलेक्ट किया है फ्रेंड और ये आपके सामने रही सब फ्रेंड यहाँ पे। ये देखो फ्रेंड ये ऐसा बन के तैयार हो चुका है फ्रेंड। अभी इसको फ्रेंड यहाँ से अपन डाउनलोड करके अपना PDF में सेव कर लेते हैं फ्रेंड। ओके उसके बाद में आप इसका जेरोक्स निकला सकते हैं फ्रेंड। देखिए फ्रेंड मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ पूरा क्लियरिटी के साथ में और ज़बरदस्त डिजिटल और शॉर्ट के अंदर ये CV बन के तैयार हो जाता है फ्रेंड। ओके तो फ्रेंड ऐसी ही वीडियो और देखने के लिए फ्रेंड हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहे फ्रेंड, ताकि हम इसी प्रकार की और वीडियो फ्रेंड आप लोगों के लिए अपडेट कर सकते हैं फ्रेंड। ओके ओके तो फ्रेंड आज के लिए दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके फ्रेंड खुदा हाफिज़।